Good morning, students. Welcome to Mathematics Online class. So, students, in this class, we will discuss about and circle the largest number with each row. Okay. Firstly, we will know about which number is bigger and which number is smaller. कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है. यू ऑल नो अबाउट काउंटिंग्स फ्रॉम 1 to 100. ओके, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग आप सभी को आती है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, 1 to 10. सो स्टूडेंट्स, हमें अगर ये पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा. ओके, टू नंबर्स या टू से ज्यादा नंबर्स लेने पड़ेंगे, उनके बीच कंपैरिजन करके ये पता करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है. सपोज 1 and 2, व्हाट कम्स आफ्टर 1 2. ओके, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 2 3. सो 1, 2 and 3, इन तीनों में विच नंबर इज बिगर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, टेल मी. यस, 1 is smaller than 2 and 2 is smaller than 3. ओके, इसमें 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है. तो हमने तीनों तीन नंबर में कंपैरिजन किया कि 3 से छोटा कौन सा है, 3 से छोटा 2 और 1 है, बट 2 से छोटा 1 है. ओके, एंड 4 is largest than 3. 3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है. ओके, जैसे जैसे हम गो डाउन होते हैं, नीचे जाते हैं नंबर्स में, तो काउंटिंग्स में तो क्या होते हैं, वो नंबर लार्जेस्ट होते जाते हैं, और जैसे हम जो ऊपर की तरफ नंबर होते हैं वो नंबर स्मॉलर होते जाते हैं. ओके, सपोज आई हैव 2 स्पून्स. ओके, इन माई हैंड, मेरे हाथ में 2 स्पून्स है. सो टेल मी विच स्पून इज बिगर एंड विच स्पून इज स्मॉलर. यस, गुड. इन माई राइट हैंड स्पून इज बिगर एंड लेफ्ट हैंड स्पून इज स्मॉलर. ओके, ये स्मॉल है और ये स्पून बिगर है, बड़ी है ये स्पून. तो कैसे पता किया, हमने कंपैरिजन किया ना इन दोनों का पता करने के लिए कि बताइए इन दोनों में से कौन सी स्पून छोटी है, कौन सी बड़ी है. तो कंपैरिजन करके पता किया. लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 lunch boxes in my hand. So, which lunch box is bigger and which lunch box is smaller? Tell me. Yes, this lunch box is bigger and this lunch box is smaller. So, देखा आपने, हमने कैसे पता किया कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? किससे पता किया हमने? Size से. इसकी size से इसको comparison करके पता किया. Okay. द सेम वे देर आर 2 notebooks इन माई हैंड. सो टेल मी स्टूडेंट्स, विच नोटबुक इज स्मॉलर एंड विच नोटबुक इज बिगर. यस, इन माई राइट हैंड्स नोटबुक इज बिगर एंड लेफ्ट हैंड्स नोटबुक इज स्मॉलर. ओके, जो मेरे राइट हैंड में है वो बड़ी है और जो मेरे लेफ्ट हैंड में है वो छोटी है. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके घर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बाउल होंगी, ग्लासेस होंगी, चेयर्स होंगी, वॉचेस होंगी, तो उनका कंपैरिजन करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉल है, कौन सा लार्ज है. ओके, सो लेट्स सी. इन दिस रो 56, 28, 39, 95, 27 and 72. सो स्टूडेंट्स, टेल मी विच नंबर इज बिगर एंड विच नंबर इज स्मॉलर. 56, 28, 39, 95, 27, 72. सबसे पहले हम ये देखेंगे जब काउंटिंग्स में कि कौन सा नंबर नीचे की तरफ, गो डाउन, नीचे की तरफ कौन सा नंबर आता है. सो 2 है ना, तो 2 से लार्ज नंबर कौन सा हुआ, 2. 27 और 28 से बड़ा है. ओके, और 27 से कौन सा बड़ा है, 39. नेक्स्ट 39 से बड़ा 56 और 56 से बड़ा 72 एंड लास्ट 72 से बड़ा यस 95. सो 95 इज द लार्जेस्ट नंबर. सो स्टूडेंट्स, वी विल सर्कल ऑन 95 का सर्कल करेंगे. ओके, गेट इट नाउ.
कंपैरिजन करते हैं, ओके। 36, 36 से लार्ज नंबर कौन सा है? 39, एंड 39 से, 39 से बड़ा कौन सा है इसमें? यस 68, एंड 68 से बड़ा 85, और 85 से बड़ा यस 98, तो 98 इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके। नेक्स्ट 82, 95, 68, 86, 59, 92. सो स्टूडेंट्स टेल मी विच नंबर इज लार्जेस्ट, 82, 95, 62, 68, 86, 59, 92. यस 95 इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्लास में 95 हम लार्जेस्ट नंबर होता है। नेक्स्ट इज 36, 95, 59, 96, 69, 94. टेल मी विच नंबर इज बिगर, विच नंबर इज लार्जेस्ट न्यूमरल, विच इज लार्जेस्ट न्यूमरल इन दिस रो? यस 96 इज द लार्जेस्ट न्यूमरल इन दिस रो। नेक्स्ट 82, 72, 14, 74, 68 एंड 86. सो स्टूडेंट्स 14 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा है ना 14, एंड 14 से बड़ा कौन सा है इसमें? टेल मी 68, ओके। एंड 68 से बड़ा है 72, 72 से बड़ा 74, एंड 74 से बड़ा 82, एंड लास्ट में 82 से बड़ा यस 86. सो 86 इज द लार्जेस्ट न्यूमरल इन दिस रो। सो स्टूडेंट्स I hope you well understand about how we circle the largest number in each row. Okay, so do this work in your mathematics notebook with neat and clean writing. Thank you.